हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आप सभी को यहाँ देख के पता चल गया होगा। यहाँ पे याचिकाकर्ता का नाम है प्रतीक मिश्रा, ठीक है। आप लोगों ने लगभग सभी ने सुन लिया होगा। और आज की जो वीडियो है ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने एक पिटीशन डाली थी और कहा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। तो इसी के संबंध में कल एक सुनवाई हुई थी और उसमें देखिए क्या यहाँ पर जो इस समय यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा राजस्थान हाईकोर्ट वाइड जज डेटेड 25/11/2021 पास्ड इन द अफोस्ड केस सेट असाइड द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 एंड हेल्ड दैट बीएड डिग्री होल्डर्स कुड नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर एट द प्राइमरी स्कूल्स लेवल, ठीक है। तो यहां पर ये राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें जो बीएड डिग्री होल्डर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसी को आधार मानते हुए यहां पर ये कहा गया है। और क्या कहा गया है, मेन चीज है, सिर्फ मेन चीज पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। इसमें देखिए अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी चीज है सिर्फ उतनी ही आप लोग देखिए। टिल द नेक्स्ट डेट नो सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द यूपी टेट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 विच वॉज हेल्ड ऑन 23/1/2022, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सर्टिफिकेट, देखिए रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है लगभग सभी का, और ये कहा गया कि सर्टिफिकेट अभी नहीं जारी किया जाएगा बीएड डिग्री धारकों का, ठीक है, प्राथमिक लेवल वाला अगली डेट तक। यहाँ पर लिखा टिल द नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट तक यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो अभी जारी नहीं किया जाएगा। एक तरीके से जैसे एक तरीके से यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट को का जो जजमेंट है उसी को आधार मानते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। अभी देखिए इसमें अभी और भी सुनवाई होंगी और लास्ट में क्या फैसला रहता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बीएड धारकों के लिए बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। आप लोग अगर ये पूरी पिटीशन देखना चाहते हैं, ये पूरा नोटिस देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।